तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख, अभी हम खड़े नागपुर के संघर्ष नगर एरिया में। यहाँ पर कुछ लोगों की कंप्लेंट ये थी कि यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और नल के पानी के अंदर एकदम गंदा और काला पानी आ रहा है और उसमें स्मेल इतनी आ रही है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि वो पानी हम पी नहीं सकते। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर ये नल चालू है, देखते हैं नल का पानी अभी कैसा आ रहा है, यहाँ पर इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। वो पानी एकदम रियल में बहुत गंदा और काला पानी आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये पानी पहले से ये लोग ने भर के रख दी है और हमें बताया जा रहा है कि ये पानी खराब आ रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है नल का पानी, कितना काला पानी आ रहा है। देखिए, आप भी देखिए कि कितना काला पानी आ रहा है, और आपके सामने हमने नल का पानी भरा। तो इस एरिया के जो वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है जनाब खालिद अंसारी साहब, आइए जानते हैं उनसे कि मुझे क्या मसला है, लोगों की क्या क्या परेशानी है। खालिद भाई, बताइए क्या परेशानी का मसला है आपका। परेशानी तो साहब ऐसी है यहाँ पे कि ये जो नल का पानी आप देख रहे हैं, ये इतना गंदा पानी है साहब कि ये पीने लायक पानी नहीं है। ऊपर से प्रशासन इसको कुछ कर ही नहीं है। ये सर, ये देखिए आप, ये पीने के बाद तो दूर है, इससे कपड़ा भी नहीं धो सकते आप इसको। तो प्रशासन से मैं चाहूंगा कि प्रशासन इसके तरफ से थोड़ा ध्यान दे। और यहाँ पे दूसरी समस्या ये है सर, यहाँ पे कि प्रशासन बोलती है कि डिमांड भरो, हम आपको नया कनेक्शन देंगे। तो इस लॉकडाउन में सर कहाँ से डिमांड भरेंगे, 2 साल से हम परेशान हैं, यहाँ पे ठीक से खाने को नहीं है हमारे को यहाँ पे। और प्रशासन बोलती है कि डिमांड भरो तो कनेक्शन देंगे, और 10 साल से सर ये पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, सही ये कंडीशन में पानी आ रहा है हमारा, 10 साल से हम लोग ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं पानी को। अच्छा, डिमांड नहीं भरेंगे आप तो मतलब आपको नहीं, अच्छे पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब डिमांड भरने के बाद में ही आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। और हमारा कहना है कि देखो, आप डिमांड भरने का है भरो, हम भरने से इनकार नहीं कर रहे हैं। आज कंडीशन ये है कि हमारे पास में खाने के लिए मौका ही है, हम ये चाहते हैं कि आप जो डिमांड का पैसा है आप उसको इंस्टॉलमेंट में 100-200 रुपये ऐड करके भेजो, और हमारे को कनेक्शन दो, जल्द से जल्द ये कनेक्शन को चालू करो और इसको बंद करो, हमारा ये प्रशासन से कहना है। तो अभी यहाँ पर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के नागपुर शहर के जो अध्यक्ष है परवीन पाटिल सर जी, तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, आइए ना। तो आइए जानते हैं हम परवीन पाटिल जी से भी के समस्या का निराधान क्या है, अभी आगे बताइए सर, आपका शुभ नाम बताइए सर। मैं प्रवीण पाटिल, वंचित बहुजन अघाड़ी उत्तर नागपुर का अध्यक्ष हूँ मैं। अभी खालिद भाई के कहने पे हम लोग यहाँ पर आए, आज इन सब लोगों की हमने समस्या देख ली। तो पानी यहाँ पर जो रखा हुआ है, और जो पानी अभी हमारे सामने इन्होंने नल से निकल, अभी जो 7:30-5 बजे जो नल आया है, अभी इन्होंने जो पानी दिया है साला, ये पानी किसी हालत में किसी चीज़ में किसी काम में आने वाला नहीं है। हम शौच के लिए भी जाते हैं ना, तो वहाँ का तो भी एरिया हमको साला अच्छा लगता है, यहाँ का ये सिचुएशन देख के भी हमको ये बोलना पड़ रहा है कि हम शौचालय में जाते हैं उस एरिया का, उस जगह का तो भी अच्छा माहौल रहता है, उससे कई गुना गंदा साला पानी लोगों को यहाँ पे दे रही है, ये हमारी प्रशासन है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने 2 महीना पहले से हमने नागपुर के आयुक्त को हमने बाकायदा उनसे हमने पत्र दिया कि जो जन समस्या है उनको सुलझाने के लिए हमें आपसे चर्चा करनी है, लेकिन आज तक के उन्होंने हमें समय नहीं दिया। अभी महानगर पालिका का आयुक्त ऐसी है कि जिसको महानगर पालिका की किसी जनता से कोई लेने देना नहीं है, साला ये सिर्फ प्रशासन के कहने के आगे हरामी कुत्ता बना हुआ है, जो जैसी प्रशासन बोलेगा वैसी बस वो कुत्ते जैसी बैल जैसी वो गर्दन हिलाते रहता है, काम कौड़ी भरे का नहीं कर रहा है। अब आप देख लीजिए कि ये जो पानी है, अब ये लोग इसको सच में पी सकते हैं क्या, ये किसी तरह में किसी एंगल में पानी का यूज नहीं हो सकता है। अरे ऐसा पानी तुम लोगों को दे रहे हो, मतलब तुम्हारा कहना क्या है, क्या लोगों ने मरना चाहिए, ये पानी का हालत देखो कैसी है, लोगों ने ये पानी लेके इस्तेमाल करके मरना चाहिए क्या, तुम्हारा कहना क्या है कि यहाँ के लोग मरना चाहिए।
फिर तुम किस तरह से तुम लोग खुद को यहाँ का आयुक्त बोल के यहाँ के प्रतिनिधि भी हरामखोर लोग है। साले चार चार प्रतिनिधि है, एक भी काम का नहीं है। किसी को ही नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में हमारे जनता को पब्लिक को क्या तकलीफ हो रही है, उनकी तकलीफ सुना जाए और उनको जो तकलीफ से जिस तरह से हम निजात उनको दिलाना चाह सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है यहाँ पे, ना ही सरकार ध्यान दे रहा है, ना ही यहाँ पे कोई प्रतिनिधि सचिव की तरफ ध्यान दे रहा है। इसके लिए हमने पंच भाई से हमने मिलने की हमने उनका समय लिया, 3 बजे हमको उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। लेकिन जब हम गए ऑफिस में मिलने के लिए तो वहाँ से बोले गायब होकर बोले मीटिंग में गए। उसके बाद में वहाँ का जो इंचार्ज जो है OCW का अनिकेत गाड़ीकर, उससे बात किया तो वो हमारे साथ में उल्टी बातें कर रहा है, बोले कोई तकलीफ नहीं है, जिनको तकलीफ होगी तो उनको लेके हम उनका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देंगे। तो इस तरह से जो जनता के जो यहाँ के जो अधिकारी जो है साले हरामी कुत्ते बने हुए, जिनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अब उनका कहना है कि पहले तुम डिमांड भरो। अरे 2 साल से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने लोगों की तो जान लेके बैठ गए। उनको खाने पीने के लिए उनके घर में निवाला नहीं है, बच्चों के पेट काट काट के कैसे भी वो लोग अपनी जिंदगी जी रही है। और सारा तुमको 6,000 रुपये डिमांड कहाँ से भर के देंगे? क्या चोरी करेंगे वो लोग, या किसी का गला काटेंगे वो लोग? लेकिन पहले तुम्हारा पैसा भरेंगे क्या? तो हमारा कहना ये है कि तुम्हारा पैसा तुमको लोग देंगे, बशर्ते तुम उनको पहले कनेक्शन लगा दो और जो महीने का तुम्हारा पानी का जो बिल आएगा उस बिल में आप अपना पैसा इंक्रीमेंट करके उनको भेजो, सब लोग आपका पैसा देंगे। आपको तरफ से कोई भी बंदा कोई भी यहाँ का नागरिक जो है फोकट में पानी नहीं लेगा, सब लोग तैयार है। कहना ये है कि लेकिन आपने उनकी अभी इस समय की सिचुएशन देख के समस्या देख के आपने हल करना चाहिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन ऐसी नहीं कर रहा है, जिसके कारण कल सवेरे 10 बजे हमें OCW के ऑफिस पे हमको बुलाया गया तो हम वहाँ पे धावा मारेंगे, हमारी समस्या का वो कल हल निकालेंगे, नहीं तो उसके ऑफिस को कल हम ताला मार के बंद करके रखेंगे। तो आपने भी पानी के गंदे पानी का सैंपल दिया अधिकारियों को? दिया है, इसके पहले अधिकारी आए थे यहाँ पर चेक करने के लिए? कोई नहीं आया, सैंपल देने के सबसे पहले को जिम्मेदारी होती है जो मोहल्ले का जो कॉर्पोरेटर होता है, तो ये कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है कि जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आके देखो। तो क्या आप लोगों ने कॉर्पोरेटर के पास में भी ये कंप्लेंट की है? कार्पोरेटर है, चार में से किसको दी? कोई नहीं आता, एक भी नहीं। फिर वो अपने इलाके का भेज दिया उन्होंने, इब्राहिम खान को दिए होंगे खाली। इब्राहिम खान तो साफ बोलता है कि हम तुम्हारी ओर से चुन के नहीं आए हैं, साफ बोलता है वो। कुछ हल करने की गुंजाइश करता ही नहीं, बोले अपने इलाके का उसने भेज दिया, इस एरिया की ओर से आए हैं हमारे कॉर्पोरेटर का नाम क्या है? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ये पूरी लाइन एक है सर, उसने अपने बताया। हम बोले तुम्हारी ओर से चुन के आए नहीं है, हमारे बच्चिया काम नहीं करते, सब बोलते हैं। एक नहीं चार चार बार गए ना। क्या बोले, डबल बोलिए? हम तुम्हारे बच्चिया काम नहीं करते, हम तुम्हारी ओर से चुन के नहीं आए हैं। आप बताइए परवीन राजन साहब, यहाँ पर समस्या लोगों की ऐसी है, तो आप इस बारे में आप क्या राय रखना चाहेंगे? जब बस्ती के लोगों की कोई समस्या का मसला हल नहीं हो रहा तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, इस महानगर पालिका में जिसकी सत्ता है उसके भी यहाँ पे प्रतिनिधि है और जो विपक्ष में बैठे हैं उसके भी यहाँ पे प्रतिनिधि है, लेकिन इन दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रतिनिधि यहाँ पर है इनमें से किसी की भी ये मंशा नहीं है कि इस एरिया के इस समाज के इस नागरिकों की जनता का समस्या का हल होना चाहिए, ये इनकी मंशा नहीं है। अगर इनकी मंशा अगर रही थी, इनके मन में कोई भी इच्छा रही थी, अरे जब आम आदमी जब इसके लिए लड़ सकता है तो एक प्रतिनिधि क्यों नहीं लड़ सकता, इतना बताइए आप। लेकिन इनकी मन में इनकी इच्छा नहीं है, इनकी मंशा नहीं है यहाँ का काम करने की, फिर ये लोग जाएंगे कहाँ पे? क्या इस तरह का पानी इस्तेमाल करके क्या इनको अपनी जान देना है? बड़ा आदमी रहेगा वो समझ जाएगा, बच्चे ने कभी तो पानी पी, क्या पी लिया कुछ कर लिया तो उस बच्चे का हालत क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये महानगर पालिका ये प्रशासन की ये इच्छा ऐसी बनी हुई है कि यहाँ का इंसान जीना नहीं चाहिए, ये राज्य सरकार का भी धोरण है और साला ये केंद्र सरकार का भी धोरण है कि इंसान यहाँ का इस देश का जो दबके का जो समाज है ये समाज के लोग जीना नहीं चाहिए, इसलिए जानबूझकर इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर ये 20 साल पूरा नहीं लाइन का पाइप पानी है, लेकिन 1 साल पहले यहाँ पे OCW का लाइन का जब यहाँ पे पानी जब लाइन डाला हुआ है, अभी तक OCW ने इन लोगों को कनेक्शन क्यों नहीं दिया? जब तुम्हारा नेटवर्क पूरा फैला हुआ है यहाँ पे, तुमको तकलीफ क्या हो रही है? तुम उनको कनेक्शन दो, वो तुमको पैसे देंगे ना, तुमको फुकट में फोन मांग रहा है, ये सबका निजी कर्तव्य बनता है, सब लोग तुमको उसका पैसा देंगे। लेकिन अभी अगर आप बोलोगे कि तुम अपना घर का खाना पीना छोड़ दो लेकिन पहले 6,000 का डिमांड हमको भरो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी हमारा कहना, हम उसी तरह से बात करके आए हैं
गाड़ेकर जी से, अनिकेत गाड़ेकर जी से, और कल हम फिर से पंच भाई से हम लोग मिलने जा रहे हैं। अगर कल इन्होंने अगर डिस्टेंसिंग का पालन करो भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दूर दूर खड़े हो सही बात। कल अगर हमारा अगर ईमानदारी से ये जो प्रॉब्लम तो हो रहा है ना, ये इस क्षेत्र का काम है सर, ये महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री उनके हीरे का काम हो रहा है। इस तरह की समस्या है, लेकिन उनको अपनी समस्या अपना क्षेत्र में छोड़ के उनको सिर्फ बाहर का काम देखना है और अपना पेट भरना है। ये प्रतिनिधित्व इस तरह का नहीं हो सकता है। जो जनमानस दो लोगों का जो काम नहीं कर सकता है, उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के एक तो काम पूरा करो या फिर अपना प्रतिनिधित्व का पद तुम खाली करो। आइए आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर ये बब्बू भाई भी खड़े हुए हैं और ये संगम नगर एरिया के, इनके यहाँ भी सेम पानी की समस्या है, ये बीच में इन्होंने बुलाया था। तो बताइए आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है बब्बू भाई अंसारी, मैं उत्तर नागपुर उपाध्यक्ष, यही सरकार जो हाजी सरकार है उसी पंक्ति है। मेरे को उसकी शर्म आती है बोलने के लिए कि ये जो नगर सेवक, जो चार नगर सेवक, चार वार्ड मिल के एक वार्ड बना है और चार नगर सेवक है, इनमें ताकत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि बस्ती का विकास करा दे। और या तो ये बोले कि इनका बाप का आर्डर नहीं है जो सरकार चला रहा है, तो बाप जब नहीं बोलेगा तो बेटे क्या काम करें, सीधी सी बात है। ये इसी तरह आने बोलते हैं कि हम तुम्हारे ओर से नहीं आए, इनको बोलते हुए इनका मुँह नहीं कटता। अब एक अधो नेता वो होता है, कैंडिडेट वो होता है कि हजार की बस्ती में अगर एक ने भी वोट दे दिया, अब वो उससे तू चुन के आए तो पूरे हजारों का आभारी रहना पड़ेगा तेरे को, उसको बोलते कारपोरेटर। अबे किसने बना दिया तुमको कारपोरेटर, किसने दे दिया टिकट? तो अभी आपके एरिया में आए थे कुछ अधिकारी आए थे, तो आपका कुछ समस्या का मतलब हल हुआ था? हमारे एरिया में आए थे पंचम साहब भी आए थे, पंचम भाई आए थे और चार पांच साहब लोग आए थे, तो रिजल्ट ये निकाले कि जैसे पानी की लाइन और गटर की लाइन दोनों साथ में चली है। तो मैंने ये कहा कि एक लाइन यहाँ से अलग करो, मैं पानी कहाँ से गंदा आ रहा है मैं वो जगह भी आपको बता रहा हूँ। उनको वो जगह बताया, वो सुराग भी बताया, अभी तक के वो गटर भी नहीं भरी। गटर वहाँ से भाई से सीधा मेन लाइन में आ रही, अब मेन लाइन का जो गटर मिलती है बाजू से पानी की लाइन चली है, उसके अंदर जो 30-35 साल हो गया है पाइप भसकने के कारण वो पूरा पानी उसमें उतरता है और डेली आ रहा है नल। सवेरे का टाइम इतनी बदबू रहती है कि आदमी का अच्छा। तो ठीक है, अभी आपका मतलब क्या है फिर हम देखते हैं। अभी यहाँ पर और भी लोग हैं बात करने के लिए। ये कहने का मतलब आ रहा है कि बोले पंचम साहब क्या बोले कि बब्बू भाई बोले 165 लोग थे बोले मेरे पास, 165 में से सिर्फ 12 लेबर बचे। लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से सब अपने अपने गांव चले गए। बोले बब्बू भाई ये 12 आदमी मैं कहाँ कहाँ डालू, बोला जहाँ ज्यादा इमरजेंसी देखो वहाँ डालूटी से। तो बाद प्रभाग अध्यक्ष, प्रभाग प्रभाग केंद्र के अध्यक्ष हूँ, और ये गंदे पानी की समस्या के लिए आप जो आए यहाँ पे रिपोर्टिंग करने, ये समस्या 10-12 साल पुरानी है। सबसे हमने कई बार डेपुटेशन दे चुके हैं, वहाँ के इंजीनियरों ने आके यहाँ के पाइपलाइन वगैरह का सर्वे किए, आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई गटर लाइन और ये पानी की पाइपलाइन कैसे लीकेज हो गई है, इसीलिए गंदा पानी आता है। हमने सैकड़ों बार डेपुटेशन दे दिए, लेकिन इनका कहने का मतलब यही आया कि आप डिमांड नोट भरो, तो अब यहाँ के पब्लिक डिमांड नोट भरने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था आज से 15-16 महीने पहले। तो यही इस नगर, इस वार्ड के नगर सेवक गणेश कानपुरे ये आगे आए वहाँ के ऑफिसरों के सामने अपनी इमेज बनाने के लिए, वहाँ से इन्होंने फॉर्म वगैरह लेके आए कि आप फॉर्म दो, हम लोगों से फॉर्म भरवाते हैं, लोग डिमांड नोट भरेंगे। जबकि उसके 3 दिन पहले OCW ने हमें पानी सप्लाई बंद कर दिया था, तो हम पूरा सैकड़ों का मजमा लेके गए थे, लेकिन वहाँ से यही हाल हुआ कि हम पानी आज चालू करते हैं, लेकिन आप फॉर्म भरो और लोगों से डिमांड नोट भरवाओ। जब से गणेश कानतोड़ी जी गायब है, इब्राहिम खान से भी मैंने कहा कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके बारे में आप मीटिंग में अपनी बात रखो, तो उसने ये बोल दिया, बोले ये एरिया के लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया है तो तुम्हारे तुम समझते बैठो।
कहने का मतलब मेरे ये है कि सैकड़ों बार डेपुटेशन लेने के बावजूद एनएमसी के जो चीफ इंजीनियर है जिनके अंडर में ओसीडब्ल्यू का पानी का कारोबार है, जो इंचार्ज है वो पंच भाई है। पंच भाई से मेरे कई बार डेपुटेशन भी दे चुका हूँ और कई बार उनसे फोन पे वार्ता भी हो चुकी है। आज ये डेढ़ साल का टाइम हो रहा है, वो दो चार लाइन में इन्होंने नई पाइपलाइन डाली है और हम छः महीने से बिल पानी के छः साल से पानी का बिल भर रहे हैं। बाकायदा उसमें इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के आता है। कई लोगों से छः साल से पानी का बिल ले रहे हैं या नहीं लेने का कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कोई मीटर नहीं डाला है। तो अभी मैं शासन और प्रशासन ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक के हमने बर्दाश्त कर लिए, बहुत से लोगों ने डिमांड नोट भर चुके हैं। अब हमारी ये डिमांड है कि जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको बिल में मंथली वाइज तीन महीने का जो बिल आता है तीन महीने में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके बाकी कनेक्शन सबको दे के और जल्द से जल्द नई पाइपलाइन से कनेक्शन आप चालू करो, ये हमारी डिमांड है। आप लोग यहाँ आम लोगों की जनता आम लोगों की समस्या आकर देखें कि क्या लोगों को यहाँ समस्या है। हम लोगों को यहाँ गटर का पानी पिलाया जा रहा है, इसलिए आ रही है उसमें जनता को मारना चाहते हैं आप लोग। यह पानी कितने दिन से खराब आ रहा है, कितने दिन से पानी कैसे इसलिए आ रही है? इसलिए तो कई सालों से आ रही है, कई सालों से आ रही है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई यहाँ आके देखते ही नहीं है। आप लोगों को बिसलेरी की बोतल लगती है, फिल्टर की वहाँ पानी लगता है और हम लोगों को गटर का पानी, क्या आप लोग चाहते क्या है ये बताइए आप। बहुत हम लोग परेशान हैं गटर के पानी से, आप लोग हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें, नहीं तो यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान होकर ओसीडब्ल्यू पे आएंगे, पूरा मोहल्ला आएगा वहाँ पे, आप लोग समझना फिर क्या होगा। नाम बताइए। मैं वंचित बहुजन युवा आघाड़ी का सुनील रामटे के उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के खालिद भाई अंसारी इनके नेतृत्व में ये हम कार्यक्रम करना चाहते हैं और बड़े पैमाने में युवाओं के माध्यम से यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, यही मेरी मंशा है और यहाँ के हक और न्याय दिलाया जाएगा ये वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के माध्यम से। पानी का बिल है, ये पानी का बिल ये इनका देखो 9,518 रुपया बिल है। कितने महीने का ये जो भी होगा साहब, अब ये लॉकडाउन इससे और ऊपर से डिमांड बन रहे क्या? ये जो पानी से मीटर का नल भाई से पहले ये मीटर का जब से नल चालू है उसके बाद से समस्या चालू हुई है, नहीं तो इसके पहले हर घर में पानी सही आता था बगैर मोटर के। आने की बात करें वो एरिया की, संगम नगर में इतना इंफेक्शन हो गया लोगों को किसकी कोई हद नहीं, यही पानी से फिर भी प्रशासन ने अभी तक के कुछ की नहीं है। लोग खुजरी और टैंकर भी नहीं भेजते, चार कार्पोरेटर है चारों भी टैंकर नहीं भेजते वहाँ पे, आज आएगा कल आएगा परसों आएगा और लोगों को पानी पीने के लिए वहाँ मोहताज होगा, इस तरह की वहाँ कंडीशन खराब चल रही है। नगर और संगम नगर की जो स्थिति है पानी की बहुत खराब है और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि अगर प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। यहाँ बिल्कुल तैयार है, अभी यही कहना है कि हम अगर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो यहाँ की महिलाएं भी धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए तैयार है। संघ